दिनभर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। वाहेगुरु के जयकारों से गूंजी भटने डगरी अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन का हुआ जोरदार स्वागत, संगत का उमड़ा सैलाब। मुस्लिम समाज के अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन का स्वागत, सांप्रदायिक एकता व सौहार्द की कामना। 17 को हनुमानगढ़ पहुंचेगी 31 वर्षीय वो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पद यात्रा। 3 दिन में टीसी देने के निर्णय का विरोध, जिला शिक्षा अधिकारी से मिले निजी स्कूल संचालक। पाकिस्तान के ननकाना साहिब से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन रविवार रात हनुमानगढ़ पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन को लेकर सात संगत में श्रद्धा और उत्साह देखने लगता, जिसे बयां करना मुश्किल है। रात के समय जहां से भी नगर कीर्तन गुजरा, घंटों पहले कतारों में दर्शन पाने के लिए संगत खड़ी थी। बिना थके हारे बस एक झलक उम्मीद में खड़ी संगत में उत्साह देखते ही बन रहा था। खबर से पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन की खास झलकियां। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के खुले पाठ दर्शन दीदार का ध्यान भर के खालसा जी बोलो जी। निमाणिया के मान, निताणिया के तान, न्योतिया की कोट, न्यासरिया के आसरे, सच्चे पिता वाहिगुरु जीओ, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अंकार, धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी। आप जी ने 550 साल आसमान दिहाड़े दिया खुशियां के संबंध में जो मंग है ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै नानक दास मुख ते जो बोलै, नीहा ऊहा सच होवे वालियां दातां बख्शिश करके है कि अपने पर्स मोबाइल फोन। पाकिस्तान के ननकाना साहिब से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन रविवार रात्रि लगभग 12 बजे हनुमानगढ़ पहुंचा। संगत के उत्साह और जगह जगह नगर कीर्तन की एक झलक पाने के लिए आतुर खड़ी सात संगत की भीड़ के चलते नगर कीर्तन निर्धारित समय से लगभग 6 घंटे की देरी से चल रहा था। संगत का उत्साह और श्रद्धा की संगरिया में प्रवेश के साथ ही हनुमानगढ़ से संगत स्वागत के लिए पहुंची थी। देर रात सतीपुरा पहुंचे नगर कीर्तन का भव्य आतिशबाजी और फूलों से स्वागत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन के दौरान सबसे पहले युवा बाइकों पर सवार होकर चल रहे थे, तो बीच में फूलों से सजी गुरु की पालकी गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान थी, जिसका संगत ने माथा टेक दर्शन किए। इसके बाद गुरु नानक देव जी के खड़ाऊ गुरु के शस्त्रों से सजी बस चल रही थी, जिसे आकर्षक तरीके से सजाया गया था। इतना ही नहीं, उनके दर्शन पाने के लिए संगत में मानो होड़ मची हो। रात के समय नगर कीर्तन हनुमानगढ़ पहुंचा, लेकिन संगत की भीड़ देखने लायक थी। श्रद्धा और उत्साह के साथ संगत ने रात में ही दिन का माहौल बना रखा था। विभिन्न स्थानों पर स्वागत के बाद देर रात टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में नगर कीर्तन पहुंचा, जहां विश्राम करने के बाद सोमवार सुबह दर्शन करने वाली संगत का मानो सैलाब उमड़ पड़ा हो। टाउन गुरुद्वारा में भीड़ देखने लायक थी। इसके बाद विधिवत सादर सत्कार के बाद श्री गंगानगर के लिए अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन रवाना हुआ। टाउन जंक्शन रोड सहित जंक्शन में विभिन्न स्थानों पर स्वागत कार्यक्रम रखे गए। वहीं पूरे रास्ते अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन के दर्शन पाने के लिए कतारें लगी थी। टाउन गुरुघर से कलेक्टर जाकिर हुसैन दर्शन पाने के लिए पहुंचे। कलेक्टर जाकिर हुसैन भी अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन के साथ गुरुद्वारा से लेकर भाट माता चौक तक पैदल चल रहे थे। इस मौके पर कलेक्टर जाकिर हुसैन ने अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन को ऐतिहासिक बताते हुए गुरु गोविंद सिंह जी के बताए सदमार्ग को अपनाने की बात कही। वहीं सांसद निहाल चंद मेघवाल ने भी अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन के दर्शन किए और इसे ऐतिहासिक बताया। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਨੁਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ
उनके पिताजी ने उनको 20 रुपये दिए थे भी जाओ आप सच का कोई व्यापार करो। उन्होंने कोई भूखे साधु बैठे थे तो समान ले आ गए तो उनको सारा। धन धन श्री गुरु नानक देव जी दे जन्म स्थान ननकाणा साहब तो चलिया नगर कीर्तन जो कि 1 अगस्त 2019 ननकाणा साहब तो चलिया सी। भारत देश दे वख वख स्टेटा विचों हुंदा होया जो कि कल शाम नू हनुमानगढ़ विखे शहीद बाबा सुखा सिंह बाबा महताब सिंह गुरद्वारा विखे पहुँचा सी। वह अज सवेरे 10 बजे हनुमानगढ़ गुरद्वारा साहब तो रवाना हो के हुण हनुमानगढ़ जंक्शन वास्ते रवानगी पाई है जिस विच इलाके दीआं समूह साध संगतां ने हाजरी भर के गुरु साहब दीआं खुशियां प्राप्त कीतीआं। हम बहुत बड़भागे हैं कि साडी इस धरती ते पहली बार गुरु नानक देव जी का नगर कीर्तन पाकिस्तान तो ननकाणा साहब तो आ रहा है। साडी जिंदगी सफल बहुत सफलता है इस गल दी भी असीं आपदी अखां नाल देखिआ और संगतां ने देखिआ। असीं इस नगर कीर्तन नूं मुख रखदे हां सुख शांति मंगी है इलाके वास्ते समृद्धि होवे सारे सुख शांति हो आपसी भाई भाईचारा बनया रहे सारे साडे समाज नाल और साडा सारे भरावां ने सारे भाईचारे ने हर बरादरी ने बेहद सुख मदद की असीं उन्हां दा कोट कोट शुकराना करदे। सानूं सच दे मार्ग ते चलण दा संदेशा दिता सी और असीं उही उन्हां तों मंग कीती है भी साडे इलाके च शांति भाईचारा और सब सुख समृद्धि बनी रहे यही असीं उन्हां अज मंग कीती है। गुरु नानक जी का जो पूर्व दिन जो नगर कीर्तन पाकिस्तान से चलता हुआ करतारपुर से सारे हिंदुस्तान की अलग अलग जगहों से चलता हुआ हनुमानगढ़ की धरती पर कल जैसे ही पधारा उस नगर कीर्तन से ऐसा महसूस हुआ कि गुरु नानक देव जी खुद चलकर हमारे सबको दर्शन देने के लिए आए हैं। उनके आने से सभी धर्मों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में बड़ा बहुत ही बड़ा उत्साह था और सब ने बड़े ज़ोर शोर से संगरिया से चलते हुए हनुमानगढ़ और बाबा सुखा से महताब सिंह गुरुद्वारा में रात दिन का ठहराव था और बड़े जोश के साथ हजारों की तादाद में संगत ने दर्शन किए और गुरु नानक देव जी के जो उपदेश था कि सभी धर्मों से एक दूसरे से रल मिलकर रहना चाहिए ऊंच नीच को उन्होंने दूर किया था कि कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं हम सब एकजुट होकर रहना चाहते हैं और हमारे को उनके यहाँ आने से उनके दर्शनों से हमारे बीच में बहुत बड़ा उत्साह है और हम यही मनोकामना की है कि वाहेगुरु ए गुरु नानक जी इस शहर में इस प्रदेश में आप उसी तरह खुशहाली बख्शते रहो। गुरु नानक जी के 550वें प्रकाश उत्सव में जो अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन हमारे यहाँ पे आया है मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को मैं मेरी ओर से और जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ शुभकामनाएँ देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि देश में अमन शांति और भाईचारा बना रहे और इसी तरह से सब लोग खुशहाल बने रहे। हमारे जगत गुरु गुरु नानक देव जी के खड़गों पर दर्शन किए और गुरु गोविंद सिंह जी के अस्त्र शस्त्र जो आए हैं नगर कीर्तन हुआ है उन सबके हमने दर्शन। सांप्रदायिक एकता और सौहार्द की मिसाल कायम करते हुए श्री गुरु नानक देव के उपदेशों को साकार करते हुए चल रहे नगर कीर्तन का जंक्शन में मुस्लिम समाज की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कर आपसी भाईचारे की कामना की गयी। यहाँ हुए कार्यक्रम में कलेक्टर जाकिर हुसैन व कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी ने भी शिरकत की। रोड वंश समाज वालों पंज प्यारे साहिबान का सम्मान किया गया उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कृपा कर विशेष तौर पर सम्मान करने पहुंचे हैं उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान
ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ सौहार्द का बहुत बड़ा एक नमूना है, बहुत बड़ी मिसाल है। मैं इस पे सभी को मेरी ओर से और पूरे जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहता हूं कि पूरे देश में, पूरे शहर में, पूरे राज्य में अमन और शांति बनी रहे और भाईचारा बना रहे। बाबा गुरु नानक देव जी के 550वें जन्म दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कीर्तन यात्रा आज गुरु ननकाना साहब से चलकर हनुमानगढ़ पहुँची है। ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ आज एक का ऐतिहासिक दिन है। हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं जो हमने दर्शन किए और सब एकत्रित हुए, सभी समाज के लोग एकत्रित हुए। हमें सभी प्रेरणा मिली कि हम कैसे, जैसे गुरु नानक देव जी सारे लोगों को पिरो कर, एक जाति पाति मिटाकर उन्होंने एक नया धर्म का इजलास किया, इसी तरह हम सब मन मुटाव अपने मिटाकर सभी भाईचारे से रहें। और मैं इस अवसर पर सभी इलाकावासियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा भी अपने इलाके में हमेशा अमन चैन और शांति और खुशहाली बनी रहे। नानक देव जी के 550वें जन्मदिवस पर ननकाणा साहब से चलकर आज जो अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन हनुमानगढ़ पहुँचा है, बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है जो कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। और बड़ा ही सौहार्दपूर्ण वातावरण है शहर में। आज हर समाज के व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सर्व धर्म जो है सब एक साथ मिलकर इसका स्वागत कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है भी जिस प्रकार गुरु नानक देव जी ने सभी धर्मों को पिरो के एक धागे में रखा था मोतियों की तरह, उसी तरह आज इस नगर कीर्तन ने, अंतर्राष्ट्रीय नगर कीर्तन ने इस शहर के हर समाज को, हर वर्ग को, हर जाति के आदमी को पिरोने की एक धागे में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए पिरोने की एक कल्पना की है। मुझे बड़ी खुशी है और मैं सभी समाज के लोगों को बधाई देता हूं। मुस्लिम समाज की तरफ से और अन्य सभी भाईचारे की तरफ से उसका स्वागत किया गया। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज इस ऐतिहासिक दिन के हम गवाह बने। बहुत ही अच्छा है। बाबा गुरु नानक जी का संदेश था भाईचारा, प्रेम, जिसको ये चीज़ बढ़ाएगी और समाज में कायम रहेगा। आज जो मिसाल कायम की है मुस्लिम समाज ने एक नया कार्यक्रम करके और हर समाज को साथ लेकर के, जो 550वें गुरु नानक देव जी के जन्मदिन दिवस उपलक्ष्य पर जो नगर कीर्तन निकाला जा रहा है, उसके लिए मैं तमाम समाज का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे इस मौके पर एक शेर की बात याद आई, कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, जिसे देता है खुदा देता है। तमाम रंग उसी से हैं, उसी से मांग कर देख, वो तो तितलियों के पंख पर भी अपना हुनर दिखा देता है। आज जो रंग बिरंगे वस्त्रों में लोगों ने जिस तरह से स्वागत किया है वो अपने आप में एक बड़ा मिसाल है और हनुमानगढ़ के लिए एक स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है। प्राइवेट स्कूल संचालकों को शिक्षा महकमे द्वारा 3 दिन के अंदर TC देने के आदेशों के बाद स्कूल संचालकों ने रोष है। ऐसे में स्कूल संचालक जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने पहुंचे और ज्ञापन के जरिए वस्तुस्थिति से अवगत करवाया। निजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष का कहना था कि जब अभिभावक सक्षम होने के बावजूद फीस जमा नहीं करवाते तो TC देने से इनकार किया जाता है। ऐसे में स्कूल संचालकों पर दबाव बनाया जाना उचित नहीं। CTO साहब से मिलने के लिए आए अभी 10 तारीख को, 10-10 को समाचार पत्रों के माध्यम से एवं चैनलों के माध्यम से उन्होंने प्रसारित किया कि 3 दिन में निजी विद्यालयों को अभिभावकों को TC देना अनिवार्य होगा। हमें प्रतीत होता है कि CTO साहब ने या तो नियम पढ़े नहीं हैं। राजस्थान विधानसभा में विद्यालय विधेयक पास हुआ है, उसके बाद फीस रेगुलेशन कमेटी बनी। हमारी जितनी भी फीस है, फीस रेगुलेशन कमेटी है, टोटल
प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर दर्ज है, उसके बावजूद ऐसे जो अभिभावक आते हैं जो फीस देने के में सक्षम भी हैं और वो टीसी के लिए अनुचित दबाव बनाते हैं, उसमें जिला मुख्यालय द्वारा हमारे जो अधिकारी हैं, सीटीओ साहब हैं या एलिमेंट्री डीओ हैं या सेकेंडरी डीओ हैं, ये टीसी के लिए विद्यालय पर दबाव बनाते हैं जो बिल्कुल अनुचित है। या तो उन्होंने विद्यालय विधेयक को पढ़ा नहीं है या उन्होंने फीस रेगुलेशन कमेटी को भी नहीं पढ़ा है, ऐसा प्रतीत होता है। और 100% ये सत्य है, अगर कोई अधिकारी इसमें संवाद करना चाहता है हम उसके लिए तैयार हैं, आप आएँ। फिर जब सारी चीज़ क्लियर है, पेरेंट्स जो है फीस नहीं देना चाहता, अगर उसकी फीस देने की स्थिति नहीं थी तो उसको प्राइवेट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए, सरकारी स्कूल खुले हुए हैं वहाँ पर पढ़ाए, ये झगड़े समाप्त हो जाए। तो हम सीडीओ साहब से कहेंगे, आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का कोई आदेश है कि बिना फीस के टीसी देनी पड़ेगी, वो आप हमको आदेश दो। ऐसा कोई भी आदेश कोई माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या कोई भी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक जो पास हुआ है, ऐसा कहीं भी नहीं हो सकता है कि बिना प्राइवेट स्कूल में बगैर फीस के टीसी दी जाए। और हम ऐसा बिना फीस लिए बिल्कुल टीसी जारी नहीं करेंगे। सभी अभिभावकों से निवेदन है कि अपने विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी समय पर टीसी जमा फीस जमा कराएं। हाँ, फीस जमा होने के बाद हम आपको आश्वस्त करते हैं कि कोई भी विद्यालय आपकी टीसी 3 दिन नहीं, दूसरे दिन आपकी टीसी जारी करते हैं। 31 वर्षीय गोपर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा 17 को हनुमानगढ़ पहुंचेगी। पदयात्रा के स्वागत और हनुमानगढ़ में होने वाले कार्यक्रम को लेकर श्री गौशाला समिति की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि 17 को सुबह हनुमानगढ़ पहुंचेगी पदयात्रा। इस अवसर पर कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद दुर्गा मंदिर में संतों के प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन होगा। श्री गौशाला समिति की बैठक रविवार को श्री गौशाला समिति अध्यक्ष इंद्रजीत हिसारिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा के 17 अक्टूबर को हनुमानगढ़ में पहुंचने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा की गई। गौशाला समिति अध्यक्ष इंद्रजीत हिसारिया ने बताया कि 31 वर्षीय गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा हल्दीघाटी से आरंभ होकर पूरे भारतवर्ष में पैदल यात्रा कर रही है। बताया गया कि यह पैदल यात्रा रोजाना 5 किलोमीटर यात्रा करती है और उसके बाद प्रवचन कार्यक्रम होता है। इस पैदल यात्रा का मुख्य उद्देश्य गो माता एवं पर्यावरण रक्षा करना है। गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा 17 अक्टूबर को सुबह हनुमानगढ़ पहुंचेगी। इसके बाद कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए दुर्गा मंदिर पहुंच संपन्न होगी। इसके बाद शाम प्रवचन कार्यक्रम होगा। गो पर्यावरण चेतना यात्रा जो है वो 17 तारीख को आ रही है, जिसमें विशेष रूप से जो गौ है और पर्यावरण है उसको लिए चेतना जागृत करने के लिए है। और संपूर्ण भारतवर्ष में जो है ये यात्रा जो है वो चलेगी। और 31 वर्ष संतों ने संकल्प लिया है कि 31 वर्ष तक जो है यात्रा जारी रहेगी। और इसमें हमारे यहाँ जो यात्रा जो है वो हनुमानगढ़ जंक्शन में पहुँचेगी 17 तारीख को सुबह 7:30 बजे। और आप सब साथ रहना। तो पूरे भारतवर्ष में 31 साल के लिए उन्होंने ये किया है कि हम गऊ के लिए करेंगे, गऊ के लिए बताएंगे। उनका ये है कि सुबह हम लोग सब इकट्ठे होंगे, शाम को भी उनका प्रवचन 3:30 बजे का रखा है हमने हनुमानगढ़ जंक्शन में। कलश यात्रा चलेगी आशीष सिनेमा के साथ से, उसके बाद वो भगत सिंह चौक होते हुए दुर्गा मंदिर में पहुँचेगी। तो सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्रवचन सुने, उसके अंदर उन्होंने गौशाला के लिए या गऊओं के प्रति जो कुछ बताना है वो सब बताएंगे। उसके लिए बहुत उन्होंने इसके लिए बीमारियों के भी इलाज बताते हैं जिससे लोग ठीक हुए। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पधारें। धन्यवाद। बॉलीवुड वाटर टैंक। पॉलीवर्ल्ड अपने ग्राहकों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखता है, इसलिए यही वजह है कि पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक 100% वर्जिन फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनी है, इसलिए बेहद हाइजीनिक है। आप इसमें पीने का पानी भी स्टोर कर सकते हैं। साधारण वाटर टैंक्स की तरह पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक में बदबू नहीं आती, इसकी वजह है इसका ये मजबूत थ्रेडेड ढक्कन। इसका ये जो मेन होल है ये बड़ा है, इसलिए फिटिंग करने के लिए इसके अंदर उतरने में आसानी होती है। इसकी लेयर मोटी होने की वजह से ये ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए इसमें उतरने में डर नहीं लगता और इसकी बिना लिटाए ही फिटिंग कर सकते हैं। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक अपने फ्रेश कलर के वजह से दिखती कितनी खूबसूरत है, घर के खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। पॉलीवर्ल्ड वाटर टैंक अपना, चिंता मुक्त हो जाओ।
नौहर में डेंगू का प्रकोप बनकर फैल रहा है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप के चलते जहां एक बच्चे की मौत होने से आम आदमी परेशान है, वहीं चिकित्सा महकमा इस संबंध में गंभीर नहीं। नौहर में दिनों दिन बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को लेकर चिकित्सा महकमा कतई गंभीर नहीं है, जबकि डेंगू से एक बच्चे की जान जा चुकी है। वहीं रोजाना डेंगू के नए संदिग्ध मामले सामने आ रहे हैं, बावजूद इसके चिकित्सा महकमा सर्वे के नाम पर केवल खाना पूर्ति करने में ही जुटा हुआ है। जी हां, नौहर क्षेत्र में लगातार फैल रही डेंगू के कारण आम आदमी जहां सहमा हुआ है, वहीं दूसरी ओर चिकित्सा महकमा हाथ पर हाथ धरे ही बैठा है। आपको बता दें कि डेंगू से 13 वर्षीय बच्ची आरती की मौत हो चुकी है, जबकि उसका भाई पीबीएम अस्पताल बीकानेर में डेंगू का उपचाराधीन है। वहीं उसी वार्ड में डेंगू के कई संदिग्ध रोगी भी मिलने के समाचार हैं। बच्ची की मौत के बाद मीडिया में मामला आने के बाद चिकित्सा महकमा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भरोसे प्रभावित क्षेत्र की जांच करवा रहा है, जबकि जांच के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही की जा रही है। हालांकि ब्लॉक CMHO प्रदीप कड़वासरा का कहना है कि उन्होंने विभिन्न वार्डो में जाँच के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ANM 5 टीमें गठित की है, जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर डेंगू संबंधी जाँच कर रही है, लेकिन हकीकत में यह टीमें केवल कागजी ही साबित हो रही हैं। जांच के लिए लगाई गई सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक साथ झुंड के रूप में घूमती हुई नजर आई और घरों में पूरी तरीके से जांच भी नहीं कर पा रही। क्षेत्र में लगातार फैल रहे डेंगू के कारण लोग भी भयग्रस्त हैं। इसको लेकर नगर पालिका की ओर से विभिन्न वार्डों में फॉगिंग करवाई जा रही है, लेकिन हालात नियंत्रण से बाहर नजर आ रहे हैं। डेंगू के अनेक मामले सामने आने के बाद भी चिकित्सा अधिकारी यह मानने को तैयार नहीं कि क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, जबकि मृतका सहित कई लोगों को डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है। हमारी ओर से सर सर्वे करवाया जा रहा है और पूरे एरिया में, और जहां भी पानी रुका हुआ है वहां पे MLO डलवा रहे हैं और नियंत्रण से फॉगिंग करवा रहे हैं और स्वास्थ्य शिक्षा भी दे रहे हैं कि इससे सावधान रहे, पूरे कपड़े स्लीव पहने और साफ सफाई रखें। नहीं नहीं सर, ऐसे हमने उस पर सुपरवाइजर भी लगाए हुए हैं, उनको कहा हुआ है कि आप पूरा उसके सुपरविजन करो और मुझे बताओ और मैं स्वयं भी देख के आ रहा हूँ। डेंगू की जांच के लिए अपने पास क्या क्या संसाधन है? सर डेंगू की जांच के लिए वैसे तो CBC होती है, उसमें अगर प्लेटलेट डिक्रीज और सस्पेक्टेड संदिग्ध समझ सकते हैं, पर और कारणों से भी हो सकता है, उसके बाद अपन एलिजा के लिए हनुमानगढ़ भेजते हैं। आरती जिसकी 12 तारीख की रात को जो डेथ हो गई थी, वो मेरी पोती थी, मेरे बड़े भैया हैं उनकी पोती थी वो। आरती के डेंगू था, उसके लिए हम बड़े दुखी हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि स्थानीय प्रशासन और चिकित्सा विभाग ये मानने को तैयार नहीं कि उस बच्ची की जो डेथ हुई वो डेंगू से हुई। हमने अपने स्तर पर पहले स्थानीय गंगा नर्सिंग होम में उसका 4-5 दिन इलाज कराया, डॉक्टर गौतम स्वामी से इलाज लिया, उस बच्चे को लेकर सरसा भी गए और बीकानेर जाने के बाद इस बात का क्लियर हुआ कि इस बच्चे के डेंगू वास्तविक डेंगू है और डेंगू भी इतना ज़बरदस्त फैल गया कि डेंगू से उसकी किडनी लीवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ और अंततः उसकी मौत हो गई। और केवल आरती नहीं, आरती का छोटा भाई वो भी डेंगू की चपेट में, वो भी आज की तारीख में PBM में अपना ट्रीटमेंट ले रहा है। और मैंने आज मीडिया को आरती की रिपोर्ट जो है वो डेंगू की वो जारी की है सब जगह। मुझे बड़ा दुख है कि विभाग इस बात को नहीं मारे, तो आज जो रिपोर्ट जारी की है वो सतर्कता के लिए कि विभाग माने कि डेंगू थे, और केवल आरती की नहीं, एक पड़ोस में बीमार और था उसकी भी रिपोर्ट मैंने मीडिया को जारी की है। मैं चिकित्सा विभाग प्रशासन सबसे अनुरोध करूंगा कि इस बीमारी के रोकथाम के लिए जल्द से जल्द उपाय किया जाए, ताकि आरती की तरह कोई और काल का ग्रास नहीं बने। वाल्मीकि समाज की ओर से भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हुए कार्यक्रम में आयुक्त शैलेंद्र बोदारोग, सभापति नगीना बाई ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। वाल्मीकि प्रकट दिवस के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर भगवान वाल्मीकि मंदिर पहुंच संपन्न हुई। इस मौके पर विधि विधान के साथ भगवान वाल्मीकि की मूर्ति स्थापना की गई। आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। जरा ताड़ी लगा के थोड़ी
जय वाल्मीकि। हनुमानगढ़ निवासी मैं सभी समाज को वाल्मीकि प्रगट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूर्णवासी है, भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस है। आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी दाना मंडी होते हुए अम्बेडकर चौक, अम्बेडकर चौक से सेक्टर 12, सेक्टर 12 से वाल्मीकि चौक, वाल्मीकि चौक से भगत सिंह चौक रेलवे बाउंड्री होते हुए वापसी वाल्मीकि मंदिर के अंदर, जहां प्रभु वाल्मीकि भगवान की मूर्ति की स्थापना की जानी है, जो आज बहुत खुशी की बात है। आज इसी मौके पर भगवान वाल्मीकि मंदिर का निर्माण हो चुका है। आप लोगों का शोक, पूरे समाज के शोक से आज वाल्मीकि समाज की मूर्ति की स्थापना है। और अभी वक्त है खबरें फटाफट का। सालासर वापसी यात्रियों के लिए टाउन में विशाल भंडारा, बालाजी के भक्तों ने दी सेवाएं। राजस्थान शिक्षक संघ सेवा प्राध्यापक रैसला की बैठक, संख्यात्मक अनुपात में पदोन्नति की मांग को लेकर हुई चर्चा। डीएवी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, नन्हे कलाकारों ने दी बेहतरीन प्रस्तुतियां। वर्किंग वुमेन की ओर से सांस्कृतिक संध्या का आयोजन, पॉलिथीन उपयोग न करने के लिए शपथ। अंकित एंटरप्राइजेस दी अर्बन हब का हुआ उद्घाटन। टाउन में गौरे हॉस्पिटल का हुआ विधिवत उद्घाटन। जंक्शन में कलेक्ट्रेट रोड पर हुआ श्री बालाजी पेट्रोलियम का उद्घाटन। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुई। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।